हजारीबाग में लेवी को लेकर अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया था, जिसको लेकर पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गांव है, वहां पर पक्की सड़क पर पुल का निर्माण चल रहा था। उस निर्माण कार्य में एक लाल कंस्ट्रक्शन कंपनी लगी हुई थी, जिसका जेसीबी ट्रैक्टर वगैरह उस रोड के कार्य के लिए रखे हुए थे। उसमें रात में कुछ लोग आए और उसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेवी लेने डिमांड करने की वजह से। तो आग लगाने में सफलता उन लोगों को नहीं मिली, उन्होंने कुछ पोस्टर भी वहां पर चिपकाया और एक फायरिंग करके ये लोग वहां से भाग गए। इसी दरमियान हम लोग एक 69/24/15/3/24 को हम लोग बड़का गांव थाना में केस दर्ज किए थे। और उसके बाद एक हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़का गांव और थाना प्रभारी बड़का गांव। और पलामू जिले में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज पलामू जिले में हुए डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। दोनों शव एक ही जगह पर घर से बरामद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मृतक की पहचान राजमोहन पोलू और एक अन्य व्यक्ति के रूप में हुई है, दूसरे मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पलामू एसपी रिस्पर रमेशन भी मौके पर पहुंची हैं और मामले की पड़ताल में जुटी है। रांची प्रेस क्लब में झारखंडी खतियानी मोर्चा की ओर से लोकसभा चुनाव और जेपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम झारखंड की 14 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। नहीं, ऐसे होना ही है नहीं, कैसे होगा? एक मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक में नहीं बैठ सकता है? कभी भी कोई डिसीजन होगा बिना कैबिनेट का, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट निर्णय ले सकता? तो ऐसे जेल में रह के कैबिनेट कैसे करेगा? नहीं हो सकता, अध्यक्षता नहीं कर देता है, वह जेल से साइन कर सकते हैं कि भाई आप इस्तीफा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा नहीं। हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ जाएगा, कभी कभी संज्ञान ले लेगा। हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि अवमानना की बात है। आप जो है ना, आप आरोपित भी है और आप पर जो प्रक्रिया चलेगा, आप है ना, आपका बेल होगा कि नहीं, जेल होगा कि नहीं, है ना, पनिशमेंट होगा कि नहीं, दोषी करार दिया जाएगा कि नहीं, लेकिन तब तक जब आपकी गिरफ्तारी हो गई तो लोकतंत्र के परिधि एक होता है ना, मर्यादा होता है, मर्यादा नैतिकता अलग है, लेकिन लोकतंत्र व्यवस्था का परिधि होता है। एक मैंने आपका दायरा, आपका मीटिंग, अकेले निर्णय मुख्यमंत्री नहीं ले सकता, कैबिनेट होना होता है। ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, ऐसा अभी तक प्रोविजन नहीं है, लेकिन हमको लगता है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकती है। हर गृहिणी का ये सपना स्वस्थ परिवार हो अपना। 3 सहेलियां जो कि गृहिणी हैं और जिन्होंने बहुत करीब से अपने परिवार की जरूरत समझी है, उसी सपने को साकार करने के लिए आप लोगों के बीच भावना कच्ची घानी सरसों का तेल लाई है। शुद्धता ही हमारी पहचान है और हम आपसे वादा करते हैं कि मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कोहलू द्वारा निर्माणित सरसों के तेल के कई फायदे हैं, जैसे कि खराब कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ना, हार्ट को हेल्दी रखना, और इसे शरीर की मालिश के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। हमारे पूर्वजों ने भी इसका खूब जमकर सेवन किया है। आप भी अपना भरोसा रख कर भावना कच्ची घनी सरसों तेल का एक बार इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी ताकत। आए हम एक परिवार मिलकर इस सपने को सच बनाएं। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। धन्यवाद।